क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल इस तरह के एक धुंधले मेघ में निवास करता हो तो कैसा होगा? शानदार रंग जिनमें आकाश के ऊपर फैले विशाल संरचनाएं होती हैं। यह एक बहुत ही ठंडा दृश्य होगा। यह निर्भर करता है कि आप धुंधले को कैसे परिभाषित करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम वास्तव में एक ऐसे मेन हैं जिसे स्थानीय अंतरिक्षीय ढाल कहा जाता है। यह कैसे हो सकता है? वेल, सबसे पहले हमें समझना होगा कि धुंधला वास्तव में क्या है। धुंधला शब्द विभिन्न चीजों के लिए एक चादर के रूप में है। यह शब्द प्रारंभिक खगोल शास्त्र से एक अवशेष है, जहां हर वस्तु को जो थोड़ा बहुत दूधिया, धुंधला या बादल की तरह दिखता था उसे धुंधला कहा जाता था, जिसमें शामिल हैं वे गैलेक्सियां और सितारे के समूह जो हम अब जानते हैं। हालांकि आजकल हमें धुंधले को क्या श्रेणीबद्ध करते हैं उसमें थोड़ा अधिक समझ है। सबसे प्रसिद्ध प्रकार का धुंधला HII धुंधला है, एक उत्सर्जन धुंधला जैसे ओरियन, जिसमें आयोनाइज्ड कण होते हैं, प्रधानतः हाइड्रोजन। वे उत्सर्जन धुंधला हैं क्योंकि उनमें उनकी खुद की रोशनी होती है। जैसे ही युवा तारे की आयु में पाए जाते हैं, उन्हें ऊर्जा को उच्च स्तरों पर उत्तेजित करने वाली रोशनी उत्सर्जित करती है, बिल्कुल नियॉन लैंप की तरह। दूसरी ओर वहां अंधेरा धुंधला भी होता है, या आणविक ढाल, जहां कोई पास में तारे नहीं होते तो आयोनीकरण नहीं होता है। वे अक्सर धूल और आयोनिक हाइड्रोजन से मिलते जुलते हैं। कभी कभी आप दो धुंधलों का मिश्रण भी देख सकते हैं, एक उत्सर्जन धुंधला जो एक अंधेरे धुंधले के बीच में होता है। ऐसे स्थिति में आप अक्सर देख सकते हैं कि बाहरी कण आयोनीकृत हो रहे हैं, जबकि ठंडे कण अधिकांशत केंद्र में पाए जाते हैं, खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों में जहां अंधेरे धुंधले आयोनीकरण विकिरण द्वारा घिस जाते हैं, तारे जन्म लेने लगते हैं। एक अन्य स्थिति में आप तारों से प्रकाश एक अंधेरे धुंधले पर चमका सकते हैं, लेकिन ऊर्जा पर्याप्त नहीं है ताकि इसके अंदर के कणों को आयोनिक किया जा सके। इस मामले में आपके पास एक परावर्तन धुंधला होता है, एक धुंधला जो बस इस पर चमकते हुए प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। अगले दो प्रकार के धुंधले भी संबंधित हैं। यहां एक है ग्रहीय धुंधला, जहां एक कम से कम धार्मिक तारा अपने तारा संवृत्ति के दौरान अपनी वायुमंडल और बाहरी परतें छोड़ने लगता है, सामान्यत जब यह एक सफेद बौद्धिक बन जाता है। दूसरा प्रकार है एक अद्भुत शेष, सामान्यत एक उच्च भार वाले तारे के बाद जब वह सुपरनोवा होता है, जिसके केंद्र में एक काला ब्लैक होल या एक न्यूट्रॉन स्टार बचता है। ये दो प्रकार के धुंधले इतने रंगीन और सुंदर होते हैं क्योंकि वे आयोनित कणों से बने होते हैं, जो उन्हें कारण बताने वाली घटनाओं से चार्ज किया गया है, इसलिए वे एक प्रकार के उत्सर्जन धुंधला होते हैं। अंततः वे धीमे हो जाएंगे और छिटकाने लगेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी धुंधलों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्सर्जन धुंधला और ठंडे अंधेरे धुंधला। और इन दो श्रेणियों में एक बड़ी समानता है, वे सभी विस्तारित धुंधला हैं। वे कभी कभी हजारों प्रकाश वर्ष तक फैलते हैं और उनके अंदर के कण बहुत व्यापक रूप से फैले हुए होते हैं। कुछ इन धुंधलों में प्रति घन सेंटीमीटर केवल कुछ कण होते हैं, हालांकि कुछ सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह मतलब होता है कि एक पृथ्वी आकार का धुंधला केवल कुछ किलोग्राम का होगा। एक वास्तविक परिप्रेक्ष्य देने के लिए, पृथ्वी पर समुद्री स्तर प्रति घन सेंटीमीटर 15 क्विंटिलियन कण होते हैं और 450 किलोमीटर ऊपर, जो ISS का ऊंचाई से थोड़ा ऊपर है, वहां भी प्रति घन सेंटीमीटर अब भी 50 मिलियन कण होते हैं। तो जब हम एक धुंधला देखते हैं तो हमें बहुत ही विस्तारित वस्तुओं को काफी संकीर्ण दृश्य में देखने का लाभ होता है, जिसका मतलब है कि ओरियन जैसी वस्तुओं के लिए हम संरचना का एक बेहतर दृश्य देख सकते हैं, जो किसी भी स्थानीय व्यक्ति के पास से हो सकता है, क्योंकि उनके लिए यह अधिक व्यापक होता है। यह संभव है कि यदि आप एक पृथ्वी जैसे शरीर के अंदर एक साधारण धुंधले में होते तो आप नंगे आंखों से इसे पहचान नहीं सकते। ये कहने के लिए नहीं है कि सभी धुंधले समान हैं। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में पाए जाने वाले टैरेंटुला धुंधला कहा जाता है कि यह एक इतना उज्ज्वल HII उत्सर्जन धुंधला है कि यदि यह ओरियन धुंधले के जगह होता तो यह रात को हमारे लिए छायांकित करेगा और दिन में दिखाई देगा। इस प्रकार का एक धुंधला यह उदाहरण हो सकता है जो अगर आप उसके अंदर होते तो दिखाई दे सकता है। हमारा स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला भी एक उत्सर्जन प्रकार का है, शायद एक बहुत वितर्पित सुपरनोवा शेष धुंधला, कुछ ठंडे न्यूट्रल परमाणुओं के साथ मिश्रित,
इसमें आयोनित कण विशेष रूप से उत्कृष्ट गर्म हैं, लगभग 6730 डिग्री सेल्सियस के। कुछ कण लाखों डिग्री सेल्सियस के भी पहुंच रहे हैं। हालांकि इसकी ऊष्मा विशेष धर्मण कम है, क्योंकि कणों की घनत्व इतनी विस्तारित है, केवल 0.3 कण प्रति घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसके बीच में होना आपको बिल्कुल भी नहीं गर्म करेगा। जिस तरह से कि कणों की इस अत्यधिक विस्तारितता का यह अर्थ है कि हमारा स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला बहुत उज्ज्वल नहीं है, वास्तव में यह देखना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरणों के साथ भी। इसलिए यह वास्तव में वह है जो आप एक धुंधला कह सकते हैं कि सीमा पर। हालांकि हम शुरू कर रहे हैं कि जैसा कि हम पहले से जानते हैं, धुंधले की शानदार छवियों की तरह यह भी एक संरचना है। बादल लगभग 30 प्रकाश वर्ष के आकार का है, और दिलचस्प है कि हम इसके माध्यम से चल रहे हैं और संभवतः लगभग 20,000 वर्षों में हम इसे पूरी तरह छोड़ देंगे। यह इसलिए है क्योंकि सूर्य ऐसे ही हमें इस दिशा में ले जा रहा है, जबकि स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला इस दिशा में जा रहा है। तो अगर कभी आपने सौर मंडल के छवियों को अंतरस्थ पवन के साथ प्रभावित करते हुए देखा है, तो यह सिर्फ कण नहीं है जो हमारे सौर मंडल के आसपास घूम रहे हैं, बल्कि यह भी हम इसमें चल रहे हैं का संयोजन है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरे सौर मंडल में आयोनित कणों को चलाता है, जबकि यह यात्रा करता है जैसे कि नाव का पीछा करती है। हालांकि हमारे अपने सूर्य के लिए हमारे पास एक वास्तविक दृश्य नहीं है, क्योंकि फिर से यह अंदर से देखना मुश्किल है। हमने इसे गैलेक्सी में कहीं और देखा है। हालांकि यह सिर्फ आयोनित कण हैं जो हमारे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत करते हैं। गैर आयोनित न्यूट्रल कण सीधे चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गुजरते हैं, हमारे सौर मंडल के बाहर जाते हैं। इसी तरह से हमें बताने का तरीका है कि अंतरिक्षीय पवन किस दिशा से आते हैं। हमें उन गैर आयोनित कणों के दिशा की ओर जानने के लिए उपग्रह हैं, जो इन न्यूट्रल कणों की दिशा को जांचते हैं जब वे गुजरते हैं। हालांकि स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला अन्य धुंधलों की तुलना में घना नहीं है, लेकिन यह वास्तव में किसी भी दिशा में सैकड़ों प्रकाश वर्षों के लिए सबसे घने क्षेत्रों में से एक है। यह इसलिए है क्योंकि यह स्थान को लोकल बबल के रूप में जाना जाता है, जहां औसत घनत्व स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधले की तुलना में और भी कम है, 0.05 कण प्रति घन सेंटीमीटर। रोचक बात यह है कि यह बुलबुले अन्य बुलबुलों से जुड़ते हैं, और यहां यह माना जाता है कि स्थानों में जहां ये बुलबुले मिलते हैं, वहां ऐसा माना जाता है कि स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला जैसे बादल बनते हैं। आइए मुझे समझाने दें। हम जो भी घनत्व के किसी भी प्रकार के धुंधले की बात करते हैं, हम वास्तव में अंतरस्थ तंतु ही की बात कर रहे हैं। अंतरस्थ तंतु, सीधे शब्दों में, गैलेक्सी में पाए जाने वाले सभी गैस और धूल का संग्रह है, चाहे वह जैसा भी हो। यह बराबरी से वितरित नहीं है, और इसकी सबसे मोटी खंड है, हम पहले से ही बात की है, भिन्न प्रकार के धुंधले। हालांकि यदि आप आसमान में कहीं भी देखें और सही तरंग लंबाई में देखें, तो आप अंतरिक्ष में हल्का चमक देखेंगे। ये आयोनित कण हैं जो विभिन्न आवृत्तियों में विकिरण कर रहे हैं, इसलिए स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला अंतरस्थ तंतु का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह बराबरी से वितरित नहीं है। हमारे स्थानीय बबल में अंतरस्थ तंतु का घनत्व पूरे विशाल मिल्की वे का औसत से कहीं नीचे है। यह इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि ये बुलबुले लाखों वर्ष पहले होने वाले सुपरनोवा विस्फोटों का परिणाम है। सुपरनोवा न केवल कणों को आयोनित किया, बल्कि उसने अधिकांश कणों को बाहर की ओर धकेल दिया, खाली बचाकर बुलबुले को, या जिसे सुपर शैल के रूप में भी जाना जाता है। जब सुपरनोवा झटके एक दूसरे से मिलते हैं, तो कण अचानक कहीं नहीं जाने के कारण इसके बजाय वे एकत्र हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारा स्वयं का स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधला हमारे स्थानीय बबल और एक और बुलबुले के मिलने के स्थान से आता है। वहां बहुत सारे अन्य बुलबुले हैं, और हमारे गैलेक्सी के अंतरस्थ तंतु का परिणाम हुआ कि यहां का स्थानीय मानचित्र बहुत अद्यतन दिखता है। शायद आप सोच रहे होंगे, ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिकों को इसे समझने का क्या मतलब है? अच्छा, हमारे स्थानीय अंतरिक्षीय वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड को बेहतर निर्धारित करने में मदद करता है। जब हम कुछ दूर से देख रहे होते हैं, तो हम उससे घिरे हुए स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधले के द्वारा किसी भी पठारों से मोहित होने का दुष्प्रभाव हटा सकते हैं।
क्योंकि हम अब जानते हैं कि हमें इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में आने वाले अंतरिक्षीय पवन को बेहतर समझना हमें अंतरिक्ष यात्रियों को इसके खिलाफ बेहतर सुरक्षित करने में मदद करता है। इस प्रकार हम शायद ओरियन जैसे कुछ शानदार धुंधले में ना हों, लेकिन हम अपने स्वयं के स्थानीय अंतरिक्षीय धुंधले के बीच में हैं, जिसमें एक संरचना है और जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। देखने के लिए धन्यवाद।